नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसका आप तक बेसब्री से इंतजार था। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए ये गुड न्यूज है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। उन बच्चों के लिए जो वेट कर रहे हैं कि कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने पदों पर भर्ती निकाली गई, इन सभी की चर्चा आज हम डिटेल से इस वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद करती हूं मैं कि जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में, आपने हमारे चैनल पर पिछली वीडियो में ये नोटिस देखा होगा जिसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की थी। अभी जो एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है वो ये हो रहा है, वायरल हो रहा है, ये आपने काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा इसके बारे में। तो जो पिछले नोटिफिकेशन में था सेम वो इसी में भी है। टोटल जो आपके पद है वो आपके 4,607 टोटल पद है, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर के हैं 452, कॉन्स्टेबल के 4,208 पद रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, आपकी जो शुरुआती तनख्वाह रहने वाली है सब इंस्पेक्टर के पद पे आरपीएफ 35,400 रहने वाली है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 28 साल इसमें एज लिमिट रहने वाली। इसके अलावा जो वर्ग अनुसार जो छूट दी जाती है ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा कॉन्स्टेबल की अगर हम बात करें तो योग्यता है 10वीं पास, शुरुआती जो तनख्वाह है आपकी 21,700, एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 28 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। अब फॉर्म की बात करें, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो देखिए 15 अप्रैल से लेकर अब आपके 14 मई तक आपके फॉर्म भरे। सिलेक्शन प्रोसेस है आपका स्टेज फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर भी डिटेल से दे रहा है, कांस्टेबल के जो 4,208 पद है उनके लिए 10वीं पास योग्यता है, सब इंस्पेक्टर के जो 452 पद है उनके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। एज लिमिट है आपकी कांस्टेबल पद के लिए, कांस्टेबल पद के लिए 18 से लेकर 28 साल। इसके अलावा आपके जो एज काउंट होगी वो होगी आपकी 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। अब फीस की बात करें तो फॉर्म भरते समय जो हमारा चार्ज लगेगा जनरल ओबीसी के यहाँ पे ₹500, एससी एसटी ईएसएम फीमेल ईडब्ल्यूएस इन सभी की फीस रहने वाली यहाँ पर ₹250। पेमेंट मोड आपका फॉर्म भरते हो तो ऑनलाइन आप भर सकते हो। फॉर्म की बात करें, फॉर्म में अप्लाई स्टार्ट डेट है आप 15 अप्रैल, लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की 14 मई 2024। ये आपकी सैलरी दे रखी है कि किस कॉन्स्टेबल इज द 21,700 प्लस आपके भत्ते, जैसे लेवल 3 की जॉब है। इसके अलावा एसआई की सैलरी हमने डिटेल से वहां पे देखा था 35,400 यहाँ पर रहने वाली है आपकी। जो ये जॉब है आपकी ये लेवल 6 की जॉब है। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या आएगा। नेगेटिव मार्किंग है भाई इसमें 0.25, टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपकी जीके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, अर्थमेटिक मैथ से आपके 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के, 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के आएंगे आपके। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस की। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जनरल ओबीसी की हाइट मांगी है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मांगी यहाँ पर 80 और पुलाव के बाद आपकी 85। एससी एसटी की हाइट रहने वाली है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें तो 76
पॉइंट दो से लेकर 81.2, बाकी जो आपकी कैटेगरीज है जैसे गरवाली अजय गोरखा है मराठा अजय डोंगरा, इन सभी के लिए हाइट 163 और चेस्ट रहने वाली है 80 से लेकर 85। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा यही सेम प्रोसेस यहाँ पे, अभी इसमें देखते हैं कि रेस वगैरह के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पीएससी टेस्ट का होगा। कांस्टेबल पद के लिए मेल जो कैंडिडेट है उनसे 16 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी और यह दूरी 5 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करनी है। इसके अलावा महिलाओं को 800 मीटर की रनिंग करनी है, यह दूरी 3 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुषों को 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, महिलाओं को 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप की बात करें तो पुरुषों को 4 फीट और महिलाओं को 3 फीट। ये सिर्फ कांस्टेबल पद के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। अब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पद के लिए है, तो यहां पर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग करनी है, यह दूरी 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। महिलाओं को 800 मीटर की दूरी तय करनी है, यह दूरी आपको 4 मिनट में तय करनी है। पुरुषों को लॉन्ग जंप 12 फीट करनी है, महिलाओं को 9 फीट। पुरुषों को हाई जंप 3 फीट 9 इंच करनी है और महिलाओं को 3 फीट करनी है। तो यह हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है और कौन कौन बच्चा इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, कौन कौन इस बार फॉर्म भरेगा, वो कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने कितना कोर्स पूरा कर लिया है या अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या नहीं किया, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।